हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल GK4 एग्जाम। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं 20-21-22 वीडियो बना चुका हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो जो रेलवे जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? फैराडे ने डिस्कवर्ड किया था। आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसका आंसर होगा एनर्जी। डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, लाइट वेव्स आर, तो लाइट वेव्स कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती हैं। और साउंड जो होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव में वेव पार्टिकल मोशन करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द वेव मोशन, जो वेव का मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड हुआ है, तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? हर्ट्ज ने डिस्कवर्ड किया था। डिस्कवर्ड की बात चल रही है इसमें भी, इसका आंसर होगा डी वाला, हर्ट्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेज़र टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड, तो माइक्रोवेव ओवन में नहीं करते, बाकी इनमें करते हैं, बायो कोड कटिंग एंड ड्रिलिंग, फिजियोथेरेपी, तो आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ SMS, तो इसका आंसर होगा मैटी मैकोनेन, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर लिटरेट जिला, मतलब इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो ये है मालापुरम। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है RRB में, तो इसका आंसर होगा मालापुरम, ए वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ SIM, ये भी आ चुका है, तो इसका आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ए वाला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट है, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द UPS, तो इसका आंसर होगा बैटरी। UPS जो होता है ना कंप्यूटर सिस्टम में, उसका आंसर होगा बैटरी, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ये भी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉर्टन जो है वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2G स्पेक्ट्रम G स्टैंड फॉर, तो G का नाम बताना है इसमें, जो 2G में जो G होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जनरेशन, तो D वाला ऑप्शन इसका सही होगा, जनरेशन। उसके बाद नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय, तो अभी तो जो डिस्कवर किया था अपन ने ऊपर वो देख लिया था, लेकिन सक्सेसफुली इसने एक्सप्लेन किया था इसको, ये किया था आइंस्टीन ने। तो अभी मैंने जो बोला था ना ऊपर, इन दोनों पास यही अंतर है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किसने किया था? ये किया था आइंस्टीन ने। तो ये याद रखना, द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय, तो ये किया था आइंस्टीन ने। और डिस्कवर किसने किया था? वो किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किसने किया था? वो किया था हर्ट्ज ने। और सक्सेसफुली एक्सप्लेन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, डोनर टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ बैलेंसी, तो इसमें कौन सी आंसर होगा? इस ऑफ बैलेंसी 5, जो 5 बैलेंसी होगी उसको ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि एंटीमनी आर्सेनिक ये ऐड करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सेप्टर टाइप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ बैलेंसी, तो इसका आंसर होगा 3। इसमें क्या ऐड करते हैं? इंडियम वगैरह यूज़ करते हैं इसमें, इंडियम हुआ और भी हैं जो इसमें ये इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इस तरीके की इम्प्योरिटी मिली रहती है जिसकी बैलेंसी 3, जैसे कि इंडियम होगा, ये इसका आंसर होगा ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, तो इसका आंसर होगा डी वाला, होल मेजोरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इसमें। और इसके अपोजिट एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होते हैं और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, 80 केल्विन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज, तो ये किस तरीके बिहेव करता है? ये करता है परफेक्ट इंसुलेटर की तरह, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर ऑन एडिंग ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ आर्सेनिक इन इट इट कंडक्टिविटी, तो सेमी कंडक्टर में स्मॉल इम्प्योरिटी में लाएंगे आर्सेनिक की, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी।
सिलिकॉन तो सेमी कंडक्टर है, उसमें अगर स्मॉल जो क्वांटिटी की आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटी टाइप से जो मिला देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट वेरीज बिटवीन, तो इसका आंसर होगा 0 to 1, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 0 to 1। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।